वेलकम टू जी टी एस टेलीप्रॉम्प्टर। अभी मैं जी टी एस टेलीप्रॉम्प्टर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो कर रहा हूँ। ये जी टी एस टेलीप्रॉम्प्टर सॉफ्टवेयर मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद ऐसा ओपन होता, ये ओपन करने के बाद ऐसा ओपन होता ना, इसमें एच डी एम आई केबल कनेक्ट करने के बाद ये विंडो पी दबाना ही। विंडो पी दबाए तो ऐसा एक मेनू होता प्रोजेक्टर बोल के, इसमें एक्सटेंडेड सेलेक्ट करना है। एक्सटेंडेड सेलेक्ट करके इसमें आपको 1 2 मॉनिटर सीखता, ये एक्सटेंडेड वाला ये 2 नंबर है। ऐसा 2 नंबर सेलेक्ट करके ऐसा फुल स्क्रीन टैलेंट विंडो एंड फ्लिप विंडो हॉरिजॉन्टली वो सेलेक्ट करना है। इधर ऐसा शो टैलेंट विंडो बोल के दिखता, ये शो टैलेंट विंडो दबाए तो वहाँ शो होता। हाइड टैलेंट विंडो में दबाए तो हाइड होता, वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर में हाइड होता। अभी आपको अपन को शो होना है, शो करना है, ऐसा रहता। नहीं तो इधर विंडो ये डिस्प्ले मॉनिटर मॉनिटर फॉर टैलेंट विंडो ये 1 सेलेक्ट करे तो इधर ही ऐसा आता। सो ऐसा नहीं आने के लिए तो ऐसा 2 सेलेक्ट करना है। ये 2 सेलेक्ट करे तो ये टेलीप्रॉम्प्टर का मॉनिटर में ये स्क्रिप्ट जाएगा। मैं ये सेटिंग्स होने के बाद मैं आपको पहले से बोलता हूँ स्टार्टिंग से। ये ब्लैक एंड वाइट का है, ये वाइट एंड ब्लैक का है। ये बैकग्राउंड चेंज वाइट आता, ये टेक्स्ट ब्लैक आता, ये बैकग्राउंड ब्लैक आता, टेक्स्ट वाइट आता। ये एडिटिंग वर्ड बोले तो इधर एडिट कर सकते, टाइप भी कर सकते, कॉपी पेस्ट भी कर सकते। ये निकाल के स्क्रॉल कर सकते। ये एडिटिंग वर्ड पैड पे ओपन करे तो ऐसा एडिटिंग वर्ड पर के एक वर्ड फाइल ओपन होता, इसमें भी कॉपी पेस्ट कर सकते, टाइप कर सकते, फॉन्ट भी चेंज कर सकते। चेंज होने के बाद ये सेव दबाए तो आपको अपडेट होता, इसमें स्क्रिप्ट में आता। ये होने के बाद ये फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते। ये लाइन हाइट है, ये लाइन लाइन में हाइट होना के लिए तो लाइन हाइट है तो लाइन हाइट कर सकते। ऐसा लाइन हाइट होने के बाद ये स्क्रॉल स्पीड का रहता, ये स्क्रॉल स्पीड 0 में है। अभी मैं स्क्रॉल स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, ऐसा माउस से कर सकते, ये स्क्रॉल व्हील से भी कर सकते, माउस स्क्रॉल व्हील से भी कर सकते। माउस स्क्रॉल व्हील में ये आपको स्क्रॉलर रोल करे तो इंक्रीज डिक्रीज होता। इसमें पुश बटन रहता, पुश बटन दबाए तो पास होता माउस में, वायरलेस माउस में भी कर सकते। या कीबोर्ड में ये प्लस माइनस करे तो 10-10 पॉइंट्स इंक्रीज होता, माइनस दबाए तो 10-10 पॉइंट्स डिक्रीज होता। पास करने को स्पेस दबाए और प्ले करने को स्पेस दबाए। ये लोड डॉक्यूमेंट का है, ये लोड डॉक्यूमेंट फाइल है, वो डॉक्यूमेंट फाइल को RTF में सेव करने पड़ेगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बोल के। ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट वाला डिटेक्ट करता है, ये डायरेक्ट ऐसा सेलेक्ट करके ओपन करे तो वो ओपन होता। ये डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद ये सेव टेक्स्ट का है, सेव एज टेक्स्ट का ये तो ज़रूरत नहीं है अपन को। ये हाइड टैलेंट विंडो का वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर में हाइड होता, शो टैलेंट विंडो बोले तो वहाँ शो होता। ये डिस्प्ले 2-1 का ये 1 ये मेन मॉनिटर का ये 2 टेलीप्रॉम्प्टर का मॉनिटर का ये फुल स्क्रीन टैलेंट विंडो सेलेक्ट करना पड़ेगा, फ्लिप टैलेंट विंडो हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिसीव ग्लोबल क्ली स्ट्रोक्स भी सेलेक्ट करने पड़ेगा। रिमोट से कुछ सेटिंग्स करने के, रिमोट से स्पीड कंट्रोल करने के लिए तो रिसीव ग्लोबल क्ली स्ट्रोक्स का सेटिंग करना पड़ेगा। इसमें ये परसेंटेज का बताते, ये कितना परसेंट हुआ, टाइम लेफ्ट बोल के ये टाइम कितना टाइम में कंप्लीट होता बोल के बताते। ये आउटर मार्जिन बोले तो ऐसा स्क्रिप्ट आउटर ऐसा मार्जिन कर सकते, खाली स्क्रीन का नहीं टेक्स्ट मार्जिन करना है तो ये टेक्स्ट ही मार्जिन कर सकते, ऐसा मार्जिन कर सकते। ये आई लाइन का हाइट का है तो येलो लाइन का है, ये विड्थ एंड हाइट का ही है। ये ऐसा किधर होना है तो उधर ड्रैग भी कर सकते, ये लाइन पढ़ाओ ये लाइन पढ़ाओ ये लाइन में लेंस है बोल के आइडेंटिफिकेशन के लिए वो रीडर मार्क है, वो सेट बुक मार्क बोलो तो ये इधर सेट बुक मार्क होता।
वो तो कंप्लीट इसमें ये यूज़र फ्रेंडली सेटिंग्स है। ये आपको कुछ डाउट है तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9059585847। थैंक यू।